अलीशान फैमिली ढाबा फेमस है अपने लजीज पकवान और वैरायटी ऑफ फूड के लिए, जैसे स्पेशल मटन हंडी, पेशावरी ग्रेवी, वाइट कस्तूरी, ज़ाफ़रान कबाब, अजवाइन कबाब और जामुनी कबाब के साथ स्पेशल अलीशान खबसा। फैमिली रूम दस्तरखान, इवेंट एंड फंक्शन एंड बर्थडे सेलिब्रेशन विद नाइस एम्बियंस, फ्री होम डिलीवरी, इजी कनेक्टिविटी के साथ बाईपास कालशेखर के सामने, अफोर्डेबल प्राइसिंग, वाइड स्पेस ताकि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। स्वाद का किंग अलीशान फैमिली ढाबा। सरकारी काम में दखलअंदाजी करना, उनको रोकना, हमने उनको ऑफिशियल काम करने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन किया, उनके साथ में अरेस्ट किया। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। तस्वीरों में जिन दो आरोपियों को सड़क पर जुलूस निकालते हुए देख रहे हैं, दरअसल इनके नाम है दानिश शेख और सालेम खान। इन दोनों पर आरोप है कि इन दोनों ने टोइंग कर्मचारियों के साथ 3 से 4 दिन पहले मारपीट की और उन पर चॉपर से भी हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन इस पूरे वारदात के बाद ये दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे और तभी से मुंब्रा पुलिस इनकी तलाश में जुटी थी। लेकिन इन दोनों आरोपियों को माथेरान से मुंब्रा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI ज्ञानेश्वर साबले इन दोनों आरोपियों को लेकर जिस जगह पर ये पूरी वारदात हुई थी, मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास, उस जगह को चिन्हित करने के लिए इन दोनों आरोपियों का सड़क पर जुलूस निकाल दिया गया। तस्वीरों में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दानिश और उसका साथी सालेम, जिनके हाथ में हथकड़ी और रस्सी से बंधे हुए हैं, मुंब्रा की सड़कों पर इनका परेड निकाला जा रहा है। जिस जगह पर वारदात हुई थी, मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर, मुंब्रा पुलिस स्टेशन से पैदल मार्च इनका निकाला गया और इन्हें मुंब्रा रेलवे स्टेशन लेकर जाया गया, जगह को चिन्हित की गई, उसके बाद पैदल ही इनका जुलूस निकालकर मुंब्रा पुलिस स्टेशन इन्हें वापस लाया गया। हालांकि इस दौरान कई लोगों की जुबान पर मुंब्रा पुलिस की तारीफ भी सामने आई। लोग ये कह रहे थे कि जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं, अगर पुलिस इसी तरह से कार्रवाई करे और इसी तरह से जो अपराधी हैं उनका जुलूस निकाला जाए, तो कई बार अपराध करने से पहले ऐसे अपराधी सोचेंगे कि क्या जुर्म क्लियर करें या ना करें। मुंब्रा पुलिस की काफ़ी तारीफ भी हो रही है, लेकिन आपको बता दें इसमें से जो दानिश है इसके ऊपर पहले भी गुनाह दाखिल है। 6 मामले बताया जा रहा है कि 6 इसके ऊपर ऐसे गुनाह दाखिल है और इसका एक साथी भी है जिसे सालेम खान, जिसे मुंब्रा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI ज्ञानेश्वर साबले ने बताया कि इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे मामले में इनके ऊपर 353, 341, 323, 504, 506 अब्लिक 2, 183, 189, 120 बा 427-34 हथियार कायदा अनुसार 425 मुंबई पुलिस अधिनियम 37(1)-135 के तहत मामला इन पर दर्ज किया गया है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI ज्ञानेश्वर साबले ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कार्रवाई के दौरान कोई किसी ने भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 24 फरवरी को हमारे ट्रैफिक के जो हेड कांस्टेबल है अशोक देशमुख, वो अपना ऑफिशियल ड्यूटी रेलवे स्टेशन के परिसर में बजा रहे थे। तो उनका काम था कि जो अनवांटेड जो व्हीकल्स जो गैरवाजबी तरीके से पार्क करते रोड के ऊपर, उनको उठाना और कानूनी कार्रवाई करना। उस दिन अपनी कार्रवाई कर रहे थे तो वहाँ पे 2 इसम आए और उन्होंने उनको ऑफिशियल काम करने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन किया और उनके साथ में अरोगेंस की। तो उस दिन हमने उनकी फिरियाद लेके CR नंबर 820/24 दाखिल कर दिया था। तो उसके ऊपर हमारे DB टीम ने सर्च करके उनको 29 तारीख को हिरासत में लेके हमने अरेस्ट कर दिया और कोर्ट में पेश कर दिया। अभी 2 तारीख तक उनकी PCR में है
वो इन्वेस्टिगेशन का काम चल रहा था, तो उसमें घटनास्थल का वेरिफिकेशन करना जरूरी था। उन्होंने घटना कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई, तो इसके बारे में आज हमने वो घटनास्थल का वेरिफिकेशन कर लिया। सर, आरोपियों पर सर ये आरोपी कहाँ से आपकी टीम ने लेकर आई? वो तो नेरल के इस परिसर से हमने उसको उनको अरेस्ट किया है। ये बुमरा से भाग कर वहाँ चले गए थे? हाँ तो है, लेकिन हमने सोर्सेस का इन्फॉर्मेशन निकाल के उनको अरेस्ट किया है। आरोपियों पर किस धारा के तहत कार्रवाई की गई और इस परेड से क्या मैसेज जाएगा शायद? जो सरकारी काम में दखल अंदाजी करना है उनको रोकना, जो 353 का सेक्शन है और बाकी जो जो उन्होंने ऐड किया है उसके अनुसार हमने सेक्शन लगाए। जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, दानिश करके जो आरोपी है उसके ऊपर प्रीवियस रिकॉर्ड है, हमने उनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन का प्रोसेस स्टार्ट किया था, लेकिन वो कार्रवाई पूरी होने से पहले उन्होंने गुना दाखिल कर दिया। अब उनके ऊपर हर से हर प्रिवेंटिव एक्शन कर लेंगे। सर, मुमरा में आए दिन लड़के ट्रिपल सीट बाइक चलाते हैं और ऐसे अग्रेसिव बच्चे जो है, हाँ तो जो कानून हाथ में तो रहते हैं उनको जो सर, एक आरोपी का नाम दानिश है और जो उसका साथी, उसका क्या है? तो सलीम रईस खान करके।